गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज यहाँ पे हम एक टॉपिक लेकर आए हैं ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन का मैंने प्रेजेंट और पास्ट का बता दिया है कि कैसे आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, हिंदी में सेंटेंस दिया होगा और कैसे हम उसको अनुवाद करेंगे ये हमने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर सिंपल में बता दिया है। तो आज हम यहाँ पे आएंगे, समझेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे जब हिंदी में सेंटेंस दिए जाएंगे तो इजिली कैसे उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बहुत ही बेसिक से यहाँ ट्रांसलेशन बताना शुरू किया है। मेरी पिछली 4-5 वीडियोस ट्रांसलेशन की है, आप प्लीज उन वीडियोस देखिए। अगर समझ में आया हो तो प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आज हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हम कैसे अनुवाद करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो यहां देखिएगा, इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम को जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। तो यानी कि रेगुलर काम हो रहा है, जारी हो रहा है, उसकी पहचान क्या है। यहां पर देखेंगे वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहे हो आदि शब्द होते हैं। यानी कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होता है काम का करना, काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। तो वहां पे अंत में देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं और रहे होगा जिक्र हो रहा होगा लास्ट में। यहां पे सेंटेंस देखो, रहा है, रहा है, रही है, रही हो, रहे हैं, सॉरी। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी होगी। अब देखते हैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कहा है, हर एक चीज में हमने बताया है, हर एक टेंस में हमने बताया है, तीन तरीके के सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं, हम बोल सकते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस और एक होता है इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस। तो आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सीखेंगे। इसके रूल्स क्या है ये हम यहाँ पे देखेंगे। अगर ये रूल्स आपको क्लियर हो गए बेटा तो आप है अनुवाद इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर वन हमें क्या बताता है। रूल नंबर कहता है कि ही, शी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब कभी कर्ता में, कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट हो या फिर कोई एक वचन नाउन हो, राम, श्याम, सीता, कुछ भी लिखा हो, उसके साथ हमें इज लगाना होगा और उसके बाद वर्ब की क्या लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाना होगा। आईएनजी क्यों, कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है, आईएनजी लगाना है वर्ब के साथ। कैसे होगा, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहले हम रूल सीख लें, रूल को है हम दिमाग में बैठा लें तो हम ये रूल बैठ जाएंगे तो हम सेंटेंस को आसानी से बदल सकते हैं। तो समझ में आई पहली पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल कहता है यू, वी, दे। यहां बोला था ही, शी, इट या एक वचन नाउन है, यहां बोला गया यू, वी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ मतलब बॉयस, गर्ल्स, समझे। तो बहुवचन सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमें आर लगाना है और वर्ब की साथ आईएनजी का फॉर्म प्रयोग करेंगे, आईएनजी को यूज करना है। मैंने इजी बनाने के लिए रूल्स दिए हैं, बोला गया ही, शी, इट हो तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाना, यू, वी, दे हो तो हेल्पिंग वर्ब आर लगाना और वर्ब के साथ आईएनजी को लगाना ही होता है, ठीक है। रूल नंबर थर्ड कहता है आई के साथ, आई जो आए, आई एज ए सब्जेक्ट आए तो हमें यहां पे एम लगाकर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, एम लगाना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना होगा। तो हमने यहां प्रोनाउन और नाउन के बारे में सीखा रूल में। प्रोनाउन क्या है, ही, शी, इट,
हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, इज वर्ब के साथ क्या लगाना, आईएनजी। यहां पे देखा दूसरे रूल में यू वी दे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, आर, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना। फिर रूल नंबर थर्ड में देखा आई, आई के साथ हमेशा एम लगता है और वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना होगा। तो ये हमारे रूल्स हैं अफर्मेटिव के, अफर्मेटिव कौन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स हैं। तो यहाँ पे ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं और इनको करते हैं कैसे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, हिंदी में अगर सेंटेंस आपको मिले तो हम कैसे उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमने सारे रूल्स यहाँ पे देख लिए, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का नहीं पढ़ रहे हैं, फ्यूचर का नहीं पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं। इसके सारे नियम पता चल गए तो हम यहाँ पे इजिली ये ट्रांसलेट कर लेंगे। देखते हैं पहला एग्जाम्पल, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो मोहन एक पत्र लिख रहा है, देखो पहचान क्या है, रहा है, रहा है पहचान हो गई ना, तो क्या हो जाएगा, और वर्ब क्या है, लिख, तो लिख मतलब राइट, राइट के साथ आईएनजी लगेगा, ये आपको पता है, रूल में बताया गया है। तो अब यहां पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, अगर सिंगुलर नाउन हो, यहां देखो एक वचन नाउन सब्जेक्ट, यहां मोहन का यूज कर लिया गया, नाउन का यूज कर लिया गया, मतलब मोहन एक है, मोहन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, इज, यही पहले वाले रूल नंबर में बताया गया है आपको। तो मोहन इज लिख रहा है, तो क्या राइटिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। इन्होंने कहा ही शी इट आए, एक वचन नाउन सब्जेक्ट आए, तो उसमें इज लगाना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना, तो हमने वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। एक पत्र मतलब अ लेटर, हो गया चुटकियों में कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, चुटकियों में हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं, भाई एक कुर्सी बना रहा है, पहचान बना रहा है, रहा है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब बनाने को क्या कहते हैं, मेक, वर्ब क्या है, मेक, आईएनजी लगा देंगे तो मेकिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, बढ़ई, तो बढ़ई क्या कहते हैं, द कारपेंटर, हेल्पिंग वर्ब मतलब एक कारपेंटर है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज कर लिया। अब क्या है, बना रहा है मतलब मेकिंग वर्ब के साथ आईएनजी का यूज कर लिया गया। अब कितनी कुर्सी, एक कुर्सी मतलब ए चेयर, तो हो गया यहाँ पे अनुवाद इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश इजिली अनुवाद कर लोगे। अब देखते हैं ये रूल नंबर वन के एग्जाम्पल थे। रूल नंबर टू कहता है यू वी दे हो या बहुवचन नाउन हो तो उसके साथ आर लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेना बेटा। तो यहाँ पे देखते हैं लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां बहुवचन नाउन सब्जेक्ट, तो क्या लगाओगे, द गर्ल्स, इसके साथ हैप्पी वर्ब क्या लगाना, आर, तो मैंने यहाँ पे आर, जा रही है मतलब गोइंग, कहाँ, स्कूल, तो क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन, टू लगाकर स्कूल लिख देंगे, द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, हो गया ट्रांसलेट। अब किसका है रूल नंबर टू, यहां भी है, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो हम यहां सॉल्व करते हैं लड़के, द बॉयज, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बॉयज के साथ, आर, वर्ब के साथ आईएनजी यानी प्लेइंग, फुटबॉल, अ फुटबॉल मैच, हो गया, हो गया ना, इजी है ना। तो ध्यान दीजिएगा रूल्स पे, और रूल्स पे ध्यान दे दिया तो इजीली हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे। अब देखो एक यहां सेंटेंस था रूल नंबर थ्री, आई के साथ हमेशा एम लगता है और एम लगाने के लिए हम यहां पर देखते क्या करते हैं, ये मैं एक गाना गा रही हूं, मैं मतलब आई, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया जाता है, गा रही हूं मतलब सिंगिंग,
एक गाना आसान हो गया। तो हमने यहाँ पे नियम पढ़ लिए इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम निगेटिव सेंटेंस के रूल, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लेकर आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।